हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ श्रेयादे सरकार। मैं आज अपना नया वीडियो लेके आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ। इस वीडियो में मैंने इंटीजर चैप्टर पढ़ाया है। इस वीडियो में मैंने जो जो टॉपिक्स कवर किए हैं वो सब मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इंटीजर्स क्लास 7 का है ये। तो आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और हाँ, वीडियो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है नंबर लाइन। नंबर लाइन वैसे तो क्लास 6 में आप लोगों को पढ़ाया गया है, पर मैं थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन करना चाहूँगी। नंबर लाइन एक इंटीग्रल लाइन जैसा है। तो यहाँ पे हमारे पास इंटीजर्स है, पॉजिटिव एंड निगेटिव इंटीजर्स। जीरो सेंट्रल वैल्यू है, जीरो एक सेंट्रल वैल्यू है। ये ना तो पॉजिटिव हम इसको बोल सकते हैं, ना ही निगेटिव बोल सकते हैं। जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी इंटीजर्स है सारे निगेटिव इंटीजर्स है। ये सारे क्या है? निगेटिव इंटीजर्स। और जीरो के राइट हैंड साइड में जितने इंटीजर्स है ये है आपका पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स। एक बात ध्यान रखिएगा, हम जब जीरो से आगे बढ़ेंगे इन्फिनिटी तक, राइट हैंड साइड में मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स जिस तरफ है उस तरफ, तो वहां पे आपका वैल्यूज इंक्रीज होगा। पर अगर हम निगेटिव साइड में मतलब लेफ्ट हैंड साइड में अगर जीरो से इंक्रीज करें इस तरफ, तो आपका वो वैल्यू कमता जाएगा। यहाँ वैल्यू बढ़ेंगे 5 के बाद, जैसे 10 आया, 10 5 से बड़ा है, 15 10 से बड़ा है, ये बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। और यहाँ पे आपका डिक्रीज होता जाएगा। -15 इज लेस देन -10। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबको जानना जरूरी है। आई गेस समझ में आ गया होगा क्योंकि हमने पहले भी नंबर लाइन पढ़ा हुआ है। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, ऑपरेशन इंटीजर्स। अब ऑपरेशन इंटीजर्स में कुछ रूल्स आते हैं। जैसे हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर हुआ, तो हम उसको क्या करेंगे? वो होगा निगेटिव। मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ, ऐसे समझ में तो आएगा नहीं। एग्जांपल देती हूँ मैं आपको अच्छा सा। जैसे कि मैंने एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, 15 मान लो मैंने 15 लिया, प्लस एक निगेटिव इंटीजर मैंने लिया 12। अब ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, हमें क्या करना है? हम प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, ये बात आती है। तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव इक्वल टू निगेटिव। सो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 3। ओके, और एक बात, अगर पॉजिटिव, अगर 15 जो मतलब ग्रेटर नंबर है उसके सामने अगर निगेटिव होता तो हमारा आंसर निगेटिव में आता। जो बड़ा नंबर है उसके सामने जो साइन होगा, अगर इसके सामने निगेटिव होता तो यहाँ पे निगेटिव आता, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है तो हमारा ये पॉजिटिव आया आंसर। ओके, आगे बात समझ में आई गेस आ गई होगी। फिर हम लोग अभी नेक्स्ट में आते हैं। हमारा नेक्स्ट रूल है निगेटिव पॉजिटिव इक्वल टू निगेटिव। इसका भी एक एग्जांपल करके दिखाती हूँ आपको। मैंने एक निगेटिव, मैं एक निगेटिव लेती हूँ, से -12, मैंने -12 लिया, और एक पॉजिटिव वैल्यू लेती हूँ 5। ओके, अब इसका आंसर क्या होगा? 12 से 5 किया तो कितना रहता है? 7। अब मैंने जैसा बोला था इसमें कि जिसमें जो साइन होगा, जो ग्रेटर वैल्यू के सामने जो साइन होगा वही आंसर में साइन आएगा सामने। तो ग्रेटर वैल्यू के सामने क्या साइन है? निगेटिव। तो हमारे 7 के सामने भी निगेटिव आएगा। ओके, क्लियर बात है इसमें।
इसमें पॉजिटिव, ये सिंपल एडिशन है आपका, मैं दिखा देती हूँ। जैसे 9 + 3 = 4, सॉरी कितना आता है, 13, यही है जैसे ऐड करते हम लोग वही है, प्लस प्लस हुआ तो, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर हुआ तो यही आएगा, ऐसा लिखना है आपको। अब निगेटिव निगेटिव आएगा तो क्या करना है, हमें प्लस करना है रूल के हिसाब से। एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे हमारे पास निगेटिव 3 है प्लस निगेटिव 3 है तो क्या होगा आंसर, निगेटिव 6। क्लियर, आई गेस समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग हमारे न्यू नेक्स्ट टॉपिक पे चल, मल्टीप्लिकेशन इंटीजर हमारा नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पे दो ही रूल्स है और ये यहाँ पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा बड़ा डिजी मतलब बड़ा नंबर है, कौन सा छोटा नंबर है, कौन सा ग्रेटर है, कौन सा स्मॉल है, इसमें कोई, इसमें बस निगेटिव होगा, अगर एक किसी भी एक में निगेटिव रहा तो वो निगेटिव हो जाएगा इस वाले रूल के हिसाब से। मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाती हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने एक पॉजिटिव वैल्यू लिया 13 और एक निगेटिव वैल्यू लिया -2, तो अब इसमें हम नहीं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे 13 हमारा 13 यहाँ पे बड़ा है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि 13 के सामने पॉजिटिव है, क्योंकि 2 के सामने निगेटिव है तो हमारा आंसर में भी निगेटिव आएगा, आंसर आएगा -26। ओके क्लियर, 26 यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है, यहाँ पे बस फर्क पड़ता है कि आपका निगेटिव साइन है किसी ना एक किसी नंबर पे आपका निगेटिव साइन है, सो आंसर में भी आपका निगेटिव साइन आएगा, दैट्स इट। अब इसमें क्या होगा, निगेटिव निगेटिव है इसीलिए आपका इसमें पॉजिटिव आ जाएगा। ओके क्लियर, मैं एग्जांपल देती हूँ, एग्जांपल जैसे मैंने 6 लिया -6 इज निगेटिव, -7 लिया, -4 लिया, चलो -4, माइनस माइनस आ जाएगा आपका पॉजिटिव। ओके माइनस माइनस रहेगा तो पॉजिटिव आएगा, एक मिनट, यहाँ पे मैंने यहाँ पे माइनस यहाँ पे पॉजिटिव, ओके तो आएगा आपका 24। ओके क्योंकि दो दो माइनस है इसीलिए पॉजिटिव आ जाएगा, यही रूल है। ओके अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग, हमारी नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोर देन टू निगेटिव इंटीजर्स। अगर जैसे हमने यहाँ पे दो दो दिखाया है, दो से ज्यादा हुआ तो क्या होगा, दो से कम हुआ तो क्या होगा, वो बताया गया है यहाँ पे। एग्जाम्पल से मैं करके दिखाती हूँ, -2 × 1 हमेशा -2 ही होगा। ओके -2 × 1 हमेशा -2 ही होगा, -2 - 2 अगेन ये वाला एप्लीकेबल होगा, ये वाला रूल, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब क्या होगा यहाँ पे आंसर 4। ओके अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 3 है, पे 3 है ना, हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को करेंगे, पहले इन दोनों को करेंगे, फिर इसके जो मतलब रिजल्ट आता है इसके साथ इसको करेंगे, तो हमें पता है इस दोनों को करने से क्या आता है, 4 आता है, हमने ऊपर किया है तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं 4 लिख देती हूँ। अब क्या आया, -2। अब हमारा ये वाला फर्स्ट रूल एप्लीकेबल होगा यहाँ पे और हमारा आंसर आएगा -8। क्या आंसर आएगा, -8। ओके आ गया, आई गेस आ गया होगा समझ में। अब इसमें क्या है, इसमें हम पहले इस दो को करेंगे फिर इस दो को करेंगे, या हम लोगों ने जैसे इसमें 3 निकाला था तो क्या आया था, -8 आया,
फिर माइनस टू हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, माइनस एट इंटू माइनस टू इक्वल टू प्लस 60। हमने ये सेकेंड वाला रूल एप्लीकेबल अप्लाई किया करके हमें यहाँ पे आंसर मिला 16। ओके अब हम ऊपर में हमें पहले मिला है यहाँ पे कितना टू है, 1 2 3 4 5 पांच है, ऊपर में हमें चार के लिए 16 मिला है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 16 लिख देते हैं। ओके फिर हमारे पास है माइनस टू, इन चारों के लिए हमें 16 मिल गया है ऊपर, मैंने क्लियर करके दिखाया है यहाँ पे, तो इसको बस इसके साथ इंटू करना है तो क्या आएगा आंसर हमारा -32। क्लियर, इट्स सो इजी, बहुत इजी है, आई गेस समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, इसमें भी सेम बात है, इसमें भी आपका वही वाला रूल लगेगा कि यहाँ पे मतलब बड़ा या छोटा वो हम लोग नहीं देखेंगे कि इंटीजर बड़ा है कौन सा इंटीजर छोटा है, इसमें अगर किसी में निगेटिव है तो इसमें भी निगेटिव आ जाएगा आंसर में। ओके तो फर्स्ट वाला रूल मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको, एग्जाम्पल देती हूँ जैसे 10 डिवाइडेड बाई माइनस टू, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि 10 के सामने पॉजिटिव है 2 छोटा है निगेटिव है, इसको इससे कोई लेना देना नहीं, अगर निगेटिव है तो पूरे वैल्यू के सामने निगेटिव आएगा। आई बात समझ में, अब चलते हैं हमारे सेकेंड नंबर रूल में, इसमें भी सेम वैसा ही है, अगर निगेटिव निगेटिव होगा तो कैंसिल हो जाएगा और पॉजिटिव आ जाएगा वैल्यू, मैं एक एग्जाम्पल करके दिखाती हूँ, जैसे -16 डिवाइडेड बाई -4। ओके तो हमारा आ जाएगा -16 डिवाइडेड बाई -4 इक्वल टू 4, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बहुत इजी है ये वाला एक्सरसाइज जो हम लोग अभी करेंगे फिलहाल, एक्सरसाइज बहुत इजी है और ये जो मैंने टॉपिक्स अभी पढ़ाया है उसके बेस्ड में है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस करवा देती हूँ बाकी आई गेस हो जाएगा क्योंकि मैंने पढ़ा दिया पूरा। तो आइए हम लोग अभी क्वेश्चंस करते हैं कुछ। पहला क्वेश्चन है हमारा, इन ए क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर इफ जैक्स स्कोर इज 5 सक्सेसिव राउंड वेयर 25 -5 -10 15 and 10 व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड। मतलब अगर एक क्विज में पॉजिटिव मार्क्स दिया जाता है करेक्ट आंसर देने से और निगेटिव मार्किंग है मतलब इनकरेक्ट आंसर देने से, जैक को 5 सक्सेसिव राउंड में 25 5 -5 -10 15 and 20 मिला है स्कोर उसका है, तो हमें पूछा है उसका टोटल स्कोर क्या है, हमें सब प्लस करना है। अभी हमें प्लस करते समय ये जो निगेटिव साइन है हमें जो रूल्स दिया गया है वो सब अप्लाई करके करना है। ओके अभी मैं करके दिखाती हूँ आपको, कुछ इस तरह से हमें आंसर लिखता है, अब हम लोग फाइनल आंसर निकालते हैं। चलिए अभी हमारा एक रूल था पॉजिटिव निगेटिव इक्वल टू निगेटिव, तो यहाँ पे हमारा आएगा 25 -5। अभी यहाँ पे पॉजिटिव, फिर से यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे निगेटिव, क्या आएगा हमारा निगेटिव निगेटिव 10। ओके अभी हमारे यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव 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 होता है, यहाँ पे भी सेम। अब हम आराम से देख सकते हैं 10 10 कैंसिल हो गया, 20 से 5 गया 25 से 5 गया तो 20 बचता है, 15
ट्वेंटी प्लस कितना आएगा, 20 प्लस 15 इक्वल टू 35। ये है हमारा आंसर, बहुत इजी है। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम। ए प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 500 मीटर अबव द सी लेवल। एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबव ए सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। हमें बोला गया है एक प्लेन उड़ रहा था और वो उसका डिस्टेंस सी लेवल से है, उसका डिस्टेंस सी लेवल से है 5000 मीटर। ओके, 5000 मीटर और नीचे ही ठीक 1200 मीटर के बाद एक सबमरीन फ्लोट कर रहा था। तो हमें पूछा गया है कि इनके इस प्लेन और इस सबमरीन के बीच में कितना डिफरेंस है। सिंपल, हमें क्या करना है, प्लस कर देना, निकल जाएगा आंसर। बहुत सिंपल है, मैं आपको करके बताती हूँ। तो हमारा आंसर कुछ इस तरह से होगा। हमने पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने पहले यहाँ पे -1200 लिया, फिर यहाँ पे पॉजिटिव लिया। ऐसा क्यों? क्योंकि ये नीचे जा रहा था, ये नीचे था, मतलब सबमरीन नीचे था, इसलिए हमने इसके लिए साइन दिया था -1200। पर चूंकि ये एक डिस्टेंस को इंडिकेट कर रही है, इसलिए हम डिस्टेंस को कभी भी निगेटिव नहीं लिख सकते। ओके, इसलिए मैंने इसको इसके साथ पॉजिटिव मतलब प्लस कर दिया। तो इसका आंसर होगा 6200। ओके, 6200 मीटर। ओके, यह है आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीता गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। रीता 20 किलोमीटर ईस्ट चल के गई एक पॉइंट ए से बी तक। ओके, फ्रॉम बी शी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट अलोंग द सेम रोड। फिर वो बी पॉइंट से वापस घूम के आई 30 किलोमीटर। इफ द डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉजिटिव इंटीजर, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड टुवर्ड्स वेस्ट। ओके, तो हमें बताया गया है कि ये वेस्ट, ये ईस्ट। ओके, तो रीता ए पॉइंट से बी तक इसका डिस्टेंस है 20। ओके, अब वो यहां से फिर से वेस्ट की तरफ आई, मतलब 10, 20, 30 किलोमीटर वेस्ट की तरफ आई, यानी कि उसका, हमें यहां पे पूछा है वो उस का कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल की वेस्ट के तरफ ए पॉइंट से। हमारे पास क्या होगा, वो कितना गई थी 20, मतलब 30। मैं बताती हूँ, 20 माइनस 30 ये होगा आंसर, यानी कि -10। मैं करके बताती हूँ, हमने आंसर लिख लिया है, आप देख सकते हो। उसने 20 किलोमीटर ईस्ट के तरफ हो गई, फिर वेस्ट की तरफ वो वापस रिटर्न आई, इसका मतलब वो -10 किलोमीटर ट्रेवल की ए से वेस्ट की तरफ। ओके, सिंस ये डिस्टेंस है तो हम लोग निगेटिव नहीं लिख सकते, पॉजिटिव लेंगे। ओके, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक में ये क्वेश्चंस है। मैंने वहां से दो लिए हैं, दो करवाऊंगी और बाकी खुद कर लेंगे आप लोग, आई गेस।
तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेके करेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, क्या दिया है a माइनस माइनस b। हमें पता है रूल के हिसाब से माइनस माइनस प्लस होता है, तो हम लोग प्लस कर देंगे डायरेक्ट, मतलब क्या आएगा कि प्लस 125 इक्वल टू आता है 13 1 4 243। ओके अभी हम लोग राइट हैंड साइड करते हैं, राइट हैंड साइड में डायरेक्ट प्लस दिया, प्लस करने के लिए दिया है हमें, तो हम लोग लिखेंगे प्लस 125 इक्वल टू 243, LHS इक्वल टू RHS, हैंड्स प्रूफ्ड। ओके बहुत इजी है, ये भी सेम होगा, ये क्वेश्चन एकदम एग्जैक्टली। हम लोग पहले LHS ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ए माइनस माइनस बी, ओके ए प्लस बी 75 प्लस 84, 5 प्लस 4 होता है आपका 9, 8 प्लस 7 आपका 15, 159, फिर आपका RHS हम लोग ले लेते हैं, a प्लस b इक्वल टू 75 प्लस 84 आता है 159, LHS इक्वल टू RHS लिख दीजिएगा, हैंड्स प्रूफ्ड हो गया बस। अब इसमें आता है कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है, ओके तो हम लोग करके देखते हैं। आप तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, माइनस 3 प्लस 7 माइनस अंदर है 19, ओके तो हम लोग क्या करेंगे माइनस ब्रेकेट उठा देंगे 19, माइनस 3 माइनस 19 ये दोनों रूल के हिसाब से प्लस हो जाएगा, यानी कि 22 प्लस 7 माइनस 22 प्लस 7, ओके अब माइनस 22 से 7 गया तो कितना रहेगा 15, तो हमारा आंसर यहाँ पे आया, इस तरफ हमारा आएगा 15 और इस तरफ को हम निकाल लेते हैं फिर से, 15 माइनस 8 प्लस माइनस 9, प्लस माइनस के रूल से 15 माइनस 8 माइनस 9 होगा, 15 माइनस 9 और 8 ऐड हो जाएगा, मतलब हमारे पास आएगा 17, यानी कि इसमें आएगा माइनस 2, क्योंकि ये बड़ा है तो इसके सामने नेगेटिव है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज किया है। तो 15 इज हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इस तरफ आया 15, इस तरफ आया माइनस 2, 15 इज ग्रेटर देन 2, ओके हम लोग ये भी लिख सकते थे 15 इस तरफ लिख सकते थे, ओके अब लिख अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 39 प्लस माइनस 24 माइनस 15, तो यहाँ पे वो वाला रूल लगेगा, रूल के हिसाब से माइनस 24 माइनस 15 प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस होते कितना आएगा माइनस, यहाँ पे है आपका 9, 3, 0 आएगा, 0 आ गया, मतलब इस पार्ट के लिए आपका 0 आया। और अब इस पार्ट का करते हैं हम लोग, 36 प्लस माइनस 52 माइनस माइनस 36 हमारा आया 36 सॉरी माइनस आएगा यहाँ पे रूल के हिसाब से, माइनस माइनस प्लस होता है रूल के हिसाब से, 36 आपका होता है 72 माइनस 52 आपका होता है 20,
तो आपका इस तरफ आया 0, इस तरफ आया 20, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका होगा 0 इज लेस देन 20। ओके, सो आज के लिए बस इतना है। आई गेस जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो आप लोग कर लेंगे खुद से। मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं, सब दिखा दिया है, सिखा दिया है। आई गेस हो जाएगा। तो मैं जल्दी न्यू वीडियो लेके आऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू।